हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आ चुके हैं हम एक और नई कार लेके GTA 5 के अंदर इंस्टॉल करने के लिए। तो ये आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, इसको आप वहाँ जाके डाउनलोड कर लेना। ये 2016 टोयोटा लैंड क्रूजर VXR एड ऑन रिप्लेस दोनों हो सकती है कार। तो हम इसको फटाफट से डाउनलोड करते हैं और इंस्टॉल करने का तरीका मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इजी तरीके से बताऊंगा। तो आपने वीडियो के साथ रहना है, वीडियो को स्किप मत करना। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना इसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। तो और भी आपको वीडियोस मिलेंगी ऐसा ऐसा रेगुलर। तो वीडियो को और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर भी लाजमी कर देना अपने दोस्तों यारों के साथ। तो फटाफट से इसको हम डेस्कटॉप पर थोड़ा साफ वाफ करके उसके बाद हम डाउनलोड हुई फाइल को एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमने फाइल को ओपन कर लेना है और GTA 5 की जो ओपन IV है उसको भी ओपन कर लेना। ओपन IV की आपके GTA 5 को PC के अंदर नहीं है ओपन IV इंस्टॉल, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा वीडियो का, वहाँ जाके आपको ओपन IV इंस्टॉल कर लेना। जिसकी भी चीज़ जिसकी तरीके से जिसकी मदद से हम सारे जो मोडिंग है वो इजी तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो फटाफट से हमारा जो ओपन IV ओपन हो चुका है, हम फटाफट से एडिट मोड पर क्लिक करके इसको एडिट करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने जो हमारी लैंड क्लोजर वाली फाइल है उसको ओपन कर लेना है। उसके बाद हमने मोड्स के अंदर जाना है, अपडेट के अंदर जाना है। उसके बाद X64 DLC पैक के अंदर जाने के बाद हमने जो VXR वाली फाइल है उसको हमें ड्रैग एंड ड्रॉप करना है DLC पैक के अंदर। तो ये हमारी DLC पैक वाली फाइल जो हमारी DLC पैक के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप करनी है। हम एक और बार कर देता हूँ, सही है, दो बार हमने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिए ताकि सही से हो जाए। तो हमारा जो दोबारा जाना है हमें अपडेट के अंदर, update.rpf कमांड डाटा उसके अंदर हमने फाइंड करनी है DLC लिस्ट वाली फाइल। उसको हम एडिट मोड पर क्लिक करके ऑन कर लेंगे। और हमने जो यहाँ रीडमी वाली फाइल हमको मोड्स के साथ मिली थी कार के साथ वो हमने ओपन करनी है। और हमने सबसे नीचे आ जाना है DLC लिस्ट वाली फाइल के अंदर। सबसे नीचे आने के बाद हमने एंड वाली लाइन पे एंटर प्रेस करना है ताकि दूसरी लाइन खुल जाए। उसके बाद हमने जो वो वाली फाइल है रीडमी वाली फाइल उसके अंदर ये जो ऊपर वाली लाइन आपको दिख रही होगी तो ये आपने कॉपी करनी है और कॉपी करके यहाँ आपके आपको ला के पेस्ट कर देनी है। पेस्ट करने के बाद आपने सेव पर क्लिक करना है और हमारे जो फाइल इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो हम इसको कट करते हैं फटाफट से और GTA 5 ऑन हो चुका है हमारा। तो गाइज हम GTA 5 के अंदर आ चुके हैं, तो हम इसको कार को लगाते हैं साइड में, हम अपने घर आ चुके हैं। तो गाइज अगर लैम्बोर्गिनी सियान की भी आपने वीडियो देखी है तो कमेंट्स करके लाजमी बताना, तो मैं आपको वीडियो बना कर दे दूंगा लैम्बोर्गिनी सियान की भी। तो हमने मेन्यू ट्रेनर ऑन करना है, उसके बाद स्पॉन के अंदर जाना है व्हीकल्स, उसके बाद इनपुट मॉडल नेम, उसके बाद हमने यहाँ लिखना है VXR जो हमारा जो फाइल का नेम था DLC वाली मोड कार की फाइल थी DLC वाली, उसका नाम था VXR, वो हमने स्पॉन कर लिए GTA 5 के अंदर। और ये देख सकते हो आपके सामने VXR लैंड क्रूजर हमारी आ चुकी है। तो हमने ये आगे भी जाकर इसकी प्रोटोकॉल भी हमने बनानी है, इसलिए हमने ये जो कार है वो इंस्टॉल की है लैंड क्रूजर, ताकि हमारी जो प्रोटोकॉल है वो और ही ज़्यादा रियलिस्टिक दिखने लगे। तो आपको पता है जो GTA 5 के अंदर जो व्हीकल होते हैं उनका जो शेप है वो कॉपी होता है, मैच नहीं होता। तो हमने GTA 5 के अंदर कार भी जो वो हमने ऐड करनी होती है। तो इसी तरीके से आपकी जो और भी एड ऑन कार है वो आपको मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा इसका, आप वहाँ जाके और भी कार जो है वो डाउनलोड करके इसी तरीके से आप जो GTA 5 के अंदर ऐड कर सकते हो। तो ओपन IV की भी वीडियो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसका इंटीरियर व्हील्स हर चीज़ जो आपकी जो रियल लाइफ में जो कार होती है वैसे ही आपको मिलेगी। तो इसका जो स्टेयरिंग है, अंडर इंटीरियर है, डैशबोर्ड है, हर चीज़ जो है आपको रियल फील दिलवाएगा कार का। तो गाइज ये वीडियो और ये कार जो आपने डाउनलोड कर लेनी है और इंस्टॉल कर लेनी है, फिर मैं आपको आगे प्रोटोकॉल वीडियो भी बना कर दूँगा, तो आपने वो वीडियो भी लाजमी देखनी है। तो उस वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना और मैं आगे सीरीज़ भी लेके आऊँगा GTA 5 की, तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना। और गाइज ये आपको जो ग्राफिक्स है वो भी अलग से दिख रहे होंगे GTA 5 के अंदर, मेरे GTA 5 के अंदर। तो आपने ये ग्राफिक्स के लिए मेरी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा ग्राफिक्स मोड का, तो आपने ग्राफिक्स मोड भी डाउनलोड कर लेना है और इंस्टॉल कर लेना है। तो उसी तरीके से आपके जो ग्राफिक्स है वो नेक्स्ट लेवल पे अप हो जाएंगे। तो ये देख सकते हो आप कि मेरे ग्राफिक्स भी कितने इन्हेंस हैं। तो आपने लाजमी वो ग्राफिक्स मोड भी डाउनलोड कर लेना है। और ये जो हमारी लैंड क्रूजर मस्त चल रही है, तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाजमी लाइक कर देना और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।
टाटा बाय बाय।